वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल केदारनाथ भाई। आज फिर एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। आज बड़ा ही एक्साइटेड दिन है क्योंकि आज जा रहे हैं हम कोकोनट विलेज, तो वहाँ पे काफ़ी हम मस्ती करेंगे, एडवेंचर करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमारा कैंसिल हो गया था तो काफ़ी हम फर्स्टेड हो गए थे, तो इस बार हम काफ़ी वहाँ पे जाके इंजॉय करेंगे। तो हमारी सारी टीम पीछे आप देख सकते हो आ चुकी हुई है। अभी बस थोड़ी देर में कुछ मेम्बर्स हमारे रह गए हैं, वो उनकी वेट करके हम आगे की तरफ निकलते हैं। पिजा 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 हवेली तो पता लग गया, मैं पापा नहीं लिया लाल पगवाड़े से फ्लाईओवर थले जिसे अपन जलंधर वाले ने ज्वाइन करना है। ठीक है, स्पीड मेंटेन करांगे 90 दी, अबाउ 90 कोई ना जायो, डिस्टेंस मेंटेन करियो। जो आप कोकोनट फॉरेस्ट पहुंच जाएंगे तो सारे इकट्ठे रहो, उतना डिस्टेंस बहुत जरूरी है क्योंकि स्लश होएगा, स्लिप करांगे, ये ना हो कि नाल होए तो बिछवाड़ जाइए। ठीक है, एक वीडियो भी आई है राती ग्रुप पे, हां बिल्कुल नाल रहन करके ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जिन्हें जिन्हें रिफिल करना है, एयर प्रेशर चेक कराना हो पहले ही करा लियो। ठीक है, वो एक पॉइंट रख दो ना, फ्यूलिंग किन्ने किन्ने करानी है, फिर आप पंप आना लेफ्ट साइड पे जिससे लास्ट पगवाड़े पगवाड़े रख लो यार, एक पॉइंट पगवाड़े तक पहुंच जाओगे भाई, बस पगवाड़े करा लेंगे, पगवाड़े क्रॉस करके लीड मैं ते गुरप्रीत कर रहे हैं, सॉरी मैं ते गुरप्रीत आगे होवांगे, सानू क्रॉस ना करियो। लास्ट वीक साडे केदारनाथ भाई हैगे वरुण भाई, ठीक है, ये जो वैसे सब लोग पीछे रहणगे भाई, बहुत पीछे नहीं रहना हैगा। लगभग हमने 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो मज़ा आ रहा है काफ़ी राइड करके। मौसम काफ़ी अच्छा है, जो अपना मैप के हिसाब से दिखा रहा है कि जो मौसम है मतलब आगे हमें रेन मिलने वाली है। साढ़े सिंह साहब ने सानू इंडिकेशन देता सीगा जी मैं ब्रेकफास्ट करा दो, नहीं तो मैं इतने रोल लग जाना, तो इस करके इन्होंने ब्रेकफास्ट कराना है। अयोशी जी अपने वाले सिंह साहब ब्रेकफास्ट करा रहे हैं, कितना लग रहा है राइड पे? बहुत अच्छा लग रहा है जी, तुसी नाल आए सानू होर भी वधिया खुशी हो रही है। ठीक है जी, तो असी अपनी दूजी लोकेशन पर पहुँच चुके हुए हैं हुशियारपुर रोड से, इतने सानू जलंधर वाले कुछ बंदिया ने ज्वाइन करना सी, आ साडे वड्डे यूट्यूबर साहब भी आ गए हुए ने, की हाल चाल है मलिक? बल्ले बल्ले चली जांदा फिर ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग होर बहुत वधिया बहुत वधिया। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਲੱਗਦਾ ਟੂਰ ਮਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ? ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਲੋ ਬਾਈਕਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਵਧੀਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਅੱਜ ਕੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਲੱਖਣ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅੰਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮੀਟਅਪ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਈਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਈਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੇ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਕੋਨਟ ਫੋਰੈਸਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੰਗਰ ਛੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਜੀ,
ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪੇ ਨਾਲ ਐਡ ਬਸ ਰਾਈਡ ਇੱਕ ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਨ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ मेरा नाम मिनी है मिनी अरोड़ा मैं लुधियाने की रहने वाली हाँ बाइकिंग मैं ऑलमोस्ट 10-12 साल तो कर रही हाँ बॉम्बे मैं सारा बाइक नाल ही कवर किया है लोनावला खंडाला तक वो वाले हाईवे से भी की हुई है बट उदो मेरे को होंडा शाइन होंगी सी सो मैं श्रीनगर और ले तो नहीं बाइक लेके जा पाई बट ले विच मैं पूरी बाइक राइड की हुई है उतने रेंट करके बाकी कुफरी दिल्ली चिंतपुर्णी साहब अमृतसर गोल्डन टेंपल हर जगह से मैं बाइक मतलब सोलो राइड ही मोस्टली की है तो हूँ आप मेरा भी यह पहला राइड है मैं 23 ईयर ओल्ड है मोस्टली मैं ब्रदर्स नाल अपने घूमया बाइक पे या कार पे बट वी नो मौका नहीं यार तो रिसेंटली मैं इस ईयर ले की ट्रिप लगा के आया हां जी प्लीज प्लीज एक मिनट तो मैं रिसेंटली लेह की ट्रिप लगा के आया इसी ईयर तो मैं उत्थे बाइक राइड की थी तो मैं बहुत वधिया लगा उत्थे रॉयल एनफील्ड 500 ड्राइव की थी सी बट ये है कि उत्थे दे अकॉर्डिंग वो चीज़ पिकअप नहीं आई जो अपनी बाइक थी फिर मैं इतने आके अपने ब्रदर को फोर्स किया कि बाइक लै तो उन्होंने एक रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक दिता 2.5 लाख का तो फिर कह गई मतलब बेसिकली गाला गुला खा के मैं मोस्टली वैसे सोलो ही की फ्रेंड ने की सोलो या डूल कह लो बट ग्रुप बहुत घट की ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਮਤਲਬ ਘਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਝ ਲਓ ਹਵੇਲੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਣ ਲਾਉ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਟੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਜਾਵਾਂਗੇ ਸਟੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ 0% ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਕਰੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿਰੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵੀਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਡ ਮੇਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਰਾਈਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਿਲਸ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹਿਲਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਈਵਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਰੂਲਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗੜਾ ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਮਸੂਰੀ ਦੀ ਰਾਈਡ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਮਸੂਰੀ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਈਡ ਲੱਗੀ ਯਸ਼ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਸੀਗੇ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੂਰੀ ਦੀ ਰਾਈਡ 'ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈਕਰ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਣਾ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਠੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਥਰੋਟਲਰਸ ਯੈਸ ਪੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸੂਰੀ ਐਂਡ ਪੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੰਡਾ 16 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਪੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੋ ਰਾਈਡਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
बहुत वधिया लगता है और पंजाब दे विच मैनू खास करके इस गलों बहुत वधिया कि आप आने वाले यूथ नू एक बहुत अच्छा सुनेहा दे रहे हैं कि कोई भी बच्चे दे रहे हैं अज अपने आप नू मनो बड़ा अच्छा लगता है कि वाकई की कुछ अचीव करते पे हैं कि बच्चा नू अच्छी आप ड्रग वाले पास जाइए अजकल का यूथ उधर जा रहा है आप इनू डाइवर्ट करके एक वक्री लाइन है बाइकिंग लाइन एक पैशन है जिन्हों एक बार इस चीज का कह लो नशा पै गया ना वो कभी भी ड्रग्स वाले पास नहीं जाएगा करते हुए तुरते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो नवे राइडर्स आएंगे वो इस चीज एप्रीशिएट करेंगे उस हिसाब नाल चलेंगे ग्रुप के नाल कि अगे उन्होंने भी मजा आए ग्रुप नू भी मजा आए और आप सारे लिए मिसाल बनी है राइडिंग कर रहे हैं शौकिया और साथ सारे यार दोस्तों के लिए मनाली जा चुके और एक्सट्रीम राइडर नहीं है शौकिया तौर पर शौकिया राइडर है मैं जो 15 अगस्त की राइड लगाई थी गुरप्रीत भाई उन्होंने तो मैं बहुत वधिया लगे इन्हों ना ला के उस दिन इन्नी कु ज़्यादा मन शांति मिली कि यार सुकून मिलता दिल नूं कि यार असी वधिया राइड कर रहे हैं तो सो इन्हां दे रूल बहुत वधिया है तो जो मैनू लैके आने वाले पहला केदारनाथ बॉयज साढ़े बेजा जी आने मैंने बहुत फोर्स किया पहला भी कई बार फोर्स किया तू चलिया कर बाइक राइड से घर जिम्मेवारियां करके निकल नहीं होंगे तो सो मैं पहली बार गुरप्रीत भाई उन्होंने को आया जो बाइक राइडिंग 15 अगस्त की की मैं बहुत वधिया लग्या सो भाई के रूल बहुत वधिया जो कोई मान लो कोई गलती करता उस टाइम टोक देंगे कि भाई नहीं ये साढ़े रूल साढ़े ग्रुप के खिलाफ ने तुम अपना साइड देखो सर मैं बहुत अच्छा लगा तो आदित्य भाजी भी बहुत वधिया मैं कह गाइड करते हैं तो गुरप्रीत भाई की गाइडलाइन बहुत वधिया लगती है मैं तो इन्हों करके इस टाइम ग्रुप के आया तो सो अगे भी अज तो 5-7 साल पहला मेरे को बाइक होंगी सी एफजेड से मैं फ्रेंड्स वगैरह ना काफ़ी बाइक राइडिंग करते जो कोई बाइक लैके लंघते थे ना बाइकर्स वगैरह मॉर्निंग असं जाने होंगे कितने हिंदपुरने चल गए या वैष्णो देवी वाली साइड से चल गए तो देखीदा यार बहुत वधिया क्रेज उस टाइम सगा लेकिन घर दी जिम्मेवारियां करके उस पासे जा ही नहीं होया कदे जुड़ी नहीं होया तो बहुत वधिया लग्या मैनूं इन्हां नाल ग्रुप नाल जुड़ के तो सो लोंग टाइम तक रहांगे नाल तो बहुत जल्दी देखदे कोई ना कोई बाइक आपां लैके आउंदे आ ते ग्रुप नूं पक्का ज्वाइन करांगे सर अग्गे दा की प्लान हुण ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕਰੀ ਮੈਪ ਲਾ ਲਓ ਮੈਪ ਲਗਾ ਲੈ ਥਾਣਾ ਡੈਮ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਾ ਜੀ ਥਾਣਾ ਡੈਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ 2-3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਈਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਕੋਕਾਨਟ ਫੋਰੈਸਟ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਾਈਡਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਬਟ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਅੜਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁਣ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ लो जी सारियां बाइकिंग राइडिंग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो होशियारपुर से चल के अब हम पठानकोट रोड पे आ चुके हुए हैं यहाँ पे कोई विलेज है हरियाणा हरियाणा विलेज के अंदर से होके तो हम कोकानट फॉरेस्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पूरी नॉलेज देते रहेंगे कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है हमें तो लगभग हम होशियारपुर से 20-22 किलोमीटर आगे आ चुके हुए हैं और हरियाणा जो विलेज है उसके अंदर एंटर कर चुके हुए हैं यहाँ से कोकानट की जो रेंज है वो शुरू हो चुकी है और साथ के साथ ऑफ रोडिंग यहीं से शुरू हो चुकी हुई है जहाँ भी हम मतलब कोई सी भी रोड पर जा रहे हैं तो बीच में काफ़ी बड़े बड़े मतलब खड्डे बोल सकते हैं या ऑफ रोडिंग बोल सकते हैं ऑफ रोडिंग है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे बड़ा एडवेंचर कर रहे हैं
तो वीडियो को एंड तक देखना और आपको एक्चुअल में मज़ा आएगा वीडियो को देख के कि हाँ यार किस तरह की हम ऑफ रोडिंग किस तरह का हम एडवेंचर कर रहे हैं। और सारा बाइकर ग्रुप हमारा आगे जा चुका हुआ है और एज यूजुअल जैसे हम आखिरी में होते हैं इस बार भी सबसे आखिरी में हम ही चल रहे हैं, तो लगभग काफ़ी आगे आ चुके हुए हैं हम। तो फॉरेस्ट एरिया प्रॉपर शुरू हो गया हुआ है, तो अब दोनों तरफ ट्री और बीच में सारी ऑफ रोडिंग काफ़ी हद तक शुरू हो गई हुई है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो हवा में ठंडक है वो भी शुरू हो चुकी हुई है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ वहाँ पे पहुँचने के लिए कि जैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे और मेरा पहला रिएक्शन क्या होने वाला है ऑफ रोडिंग को देख के, काफ़ी मज़ेदार सीन होने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो को देखना तो काफ़ी आपको भी मज़ा आएगा। ये वीडियो को देख के ये हमारे एडमिन साहब जा रहे हैं फॉरेस्ट की गलियों में आ चुके हुए हैं। अब आप देखिए दोनों तरफ प्योर जंगल हो गया है और जो सड़क है सड़क भी नैरो हो गई है और बस थोड़ा सा आगे लगभग 1.5 किलोमीटर आगे हमें गेट मिलेगा जहाँ से हमारी एंट्री होगी। आई थिंक 100 रुपया पर बाइक की एंट्री है, तो वहाँ पे हम जाके एंट्री कराएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आगे थोड़ा सा हिली एरिया भी हमें मिल गया है, तो अभी हम सामने आपको दिख रहे होंगे पहाड़, तो अभी हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एडवेंचर बढ़ता ही जा रहा है और हमारी एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना वो ऊपर ही होता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके, जो हम वहाँ पे फ्रेश एयर नहीं ले पाते ना शहरों में, यहाँ पे दोनों तरफ जंगल होने करके ना इतनी फ्रेश एयर है ना, इतना मज़ा आ रहा है हमें कि आपको मतलब बता भी नहीं सकते। और जगह जगह यहाँ पे इंडिकेशन लगे हुए हैं कि 30 की स्पीड या 50 की स्पीड या 100 की स्पीड जो भी है उस स्पीड के हिसाब से आपको यहाँ पर मेनटेन करके चलना पड़ेगा। हूँ इतने एक छोटी जी ब्रीफिंग हो रही है, तो दसिया जा रहा है कि 20 फुट का गैप जरूरी हैगा, तो लगभग हूँ सर शुरू हो गया तो ऑफ रोड बस इतों ऑफ रोड 3-4 किलोमीटर अगे अजे ओके। तो रस्तों से हम निकल रहे हैं ना इस वक्त, तो सामने पूरा जंगल पहाड़ और जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं जो लोकेशन बन रही है जो व्यू बन रहे हैं ना इतना मन को सुकून दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा शांति मिल रही है। सामने जो रोड है रोड पे से तो हम ही चल रहे हैं बाइकर्स और इतनी ज़्यादा मन को ना शांति मिल रही है, इतने ज़्यादा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एडवेंचर्स पे एडवेंचर हमारे मन में आई जा रहा है कि आगे हमारे साथ क्या होगा और मोटिवेट हो जा रहे हैं कि भाई ये अगर जन्नत है तो इससे आगे तो और जन्नत होगी जिस हिसाब से लोगों ने बोला हुआ है, तो काफ़ी मज़ेदार है। तो सामने पूरा जंगल है और पूरा जो एयर की क्वालिटी है बड़ी अच्छी है और जो कर्व्स आ रहे हैं कर्व्स भी काफ़ी ज़बरदस्त मज़ेदार कर्व है। हुआ क्या कि पहले हम 4-5 किलोमीटर एक पहाड़ के ऊपर चढ़े, अब वही पहाड़ हम नीचे उतर रहे हैं 3-4 किलोमीटर। आपको देख सकते हैं जैसे हमारे राइट हैंड साइड पर एक लेफ्ट हैंड साइड पर काफ़ी बड़ा पहाड़ है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जो जंगल है वो मतलब घना के घना होता जा रहा है और जैसे जैसे ये आप देखिए बैच भी है टूटे हुए बैच भी आने शुरू हो गए हुए हैं, तो वो हमारे सभी राइडर तो आई थिंक यहाँ से प्रॉपर कोकोनट विलेज के लिए एंट्री फीस है यहाँ पे, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे आगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जो रोड है वो नैरो पे नैरो होती जा रही है और जो सामने का व्यू है ऑसम है, आगे बोल ऑसम है। रीज़न ये है कि सामने बिल्कुल क्लाउडी हो चुके हुए हैं बिल्कुल, मतलब एकदम से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ठंडक की ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो जो रोड है वो नैरो पे नैरो होते जा रहे हैं, तो काफ़ी ही मज़ेदार जिसको बोलते हैं ना। तो जैसे जैसे आप देखिए ऑफ रोडिंग का पूरा बैच शुरू हो चुका हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बड़ी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग भी आ रही है, मतलब तब तक हम वाटर क्रॉसिंग के लिए मतलब कैमरा ऑन नहीं कर पाते वाटर क्रॉसिंग निकल भी जाती है। हाँ एक्चुअली ग्रुप में आए हैं तो ग्रुप वालों के साथ ही चलना पड़ेगा, तो हम अकेले होते तो आपको वाटर क्रॉसिंग भी करके दिखाते। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं यार मतलब इतनी ज़्यादा मज़ेदार जन्नत में जा रहे हैं और यहाँ पर सुना है काफ़ी मंदिर भी है तीरों की जगह भी है और हमारे यार बेली मोंकी भी है यहाँ पर, एक को तो मैं पीछे बैठा के लेके आया हूँ, बाकी इसके यार बेली यहाँ पे हैं
ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਾਜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤੋ ਕਿਆ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਗਿਆ ਯਾਰ यार वैली को मैंने बोल दिया मैं वरुण भैया के साथ हूँ, मेरा वरुण जो यार वैली है मैं उसके साथ में हूँ। तो हमारी आपको ऑफिशियल जो कह सकते हैं कि पहली रोड अपना वाटर क्रॉसिंग, तो अभी हम ये करने लगे हैं, यहाँ से ऑफ रोड शुरू होने लगा है। तो यार मज़ेदार, जिसको बोलते हैं ना मज़ेदार जन्नत है ये। चलो तो अभी पहले कुछ राइडर आगे चले गए थे, तो जो विलेज के अपना बंदे हैं उन्होंने बोला कि इधर की तरफ जाना पड़ेगा, तो अभी सभी राइडर उधर की तरफ जा रहे हैं। ऑफ रोडिंग देख सकते हो क्या जबरदस्त सीन बना हुआ है, वो मज़ेदार है यार। जैसे 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 ही आप देखो हमने अंदर एंटर किया ही है, और क्या ऑफ रोडिंग मिल रही है, दोनों तरफ मतलब रेता ही रेता जिसको बोलते हैं, और उसी के बीच में हमने जाना कैसे जा रहे हैं बाइकर, यार क्या जन्नत। ये अंदर हम ओए 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 एंटर इंजन तो मेरा भी गर्म हो गया, नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा ना। लो जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾ ਬਾਈਕ ਦਾ ਇੰਜਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੋ ਹੁਆ ਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕੇ ਥਾ ਉਨਕਾ ਨਾ ਇੰਜਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਉਸਕੀ ਬਾਈਕ ਰੁਕ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਸਾਰੇ ਰਾਈਡਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਆਗੇ ਕੇ ਰਾਈਡਰ ਹੈ ਵੋ ਆਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਪੇ ਭਾਗ ਗਏ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ, ਪਰ ਅਭੀ ਜੈਸੀ ਹਮ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੈ ਐਂਟਰ ਹੋਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। तो बड़ा ही मज़ेदार सीन है, वैसे तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, एक्चुअली इंजन तो मेरा भी काफ़ी गर्म हुआ पड़ा है। तो चलो अभी देखते हैं, अभी नेटवर्क भी नहीं है, उनसे कैसे बात होगी क्या नहीं होगा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं पता हमें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअली बात क्या हुआ, हमारे साथी बिछड़ चुके हुए हैं, तो लगभग अभी हम सिर्फ 5 बाइकर रह गए हैं, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि जितने भी बाइकर्स हैं सभी अनएक्सपीरियंस है, और किसी को ये समझ नहीं आ रही कि मतलब जाना किस तरह है। हमने हमारे साथ ना भूल भुलैया वाला सीन हुआ पड़ा है, मतलब वो कह किसी से पूछ रहे हैं, वो कह रहे बाइकर तो आगे गए हैं, कोई कह रहे 15 मिनट आगे निकल चुके हैं, भाई 20 मिनट से आगे निकल चुके हैं। तो अभी कोकोनट जो फॉरेस्ट मेन है तो उस तक तो अभी हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, अभी तो ये रोड्स पर ही हम जा ही जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं आगे हम उनके साथ कब मिल पाते हैं। नहीं तो हमें लग रहा है कि ये हमें 4 बंदों को अकेले ही कोकोनट की जो है वो सीधा ड्राइव करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। तो फास्ट फास्ट के बाइक चल गया मेरी, हाँ देखो मेहनत चाल और ओ फस गई बस गिनती हुई है, मज़ा आ रहा नहीं बाइक आ, चलो होनी थी वो तो पता ही थी, मज़ा आ रहा। तो अगली बार आना चाहोगे? सोच के आना, उधर बस होगी थोड़ी। हाँ जी अगली ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਵ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ,